नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कॉल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, आप जैसा कि आप जानते हैं, CFM एक अभियान चला रहा है, अपना पार्षद कैसा हो। इसके तहत आसनसोल नगर निगम के प्रत्येक वार्डों का सर्वे किया जाएगा और वहां का हाल आपको बताया जाएगा, ताकि आप जान सके कि वर्तमान पार्षद ने अपने क्षेत्र में कितने काम किए हैं, जनता वहाँ उनसे कितनी खुश है या कितनी नाराज़ है। तो आज चलते हैं आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 63 में, जहाँ की पार्षद डिप्टी मेयर भी है, और वहाँ का हाल जानते हैं। आज देखते हैं कि उस वार्ड में कितने काम हुए हैं, लोग वहाँ पे कितने खुश हैं, कितने नाराज हैं। तो चलते हैं वार्ड नंबर 63 में हमारे संवाददाता मोहम्मद सद्दाम के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद सद्दाम कोल फील्ड मिरर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मौजूद हैं वार्ड नंबर 63 में, और जैसा कि हम लोग अपने चैनल के माध्यम से अभी हर वार्ड की जानकारी आप लोग को दे रहे हैं कि 5 साल में हमारा पार्षद ने कितना कार्य किया है, किस वार्ड में, पूरे कुलटी क्षेत्र में, इस बारे में हम लोग यहाँ के लोगों से जानेंगे कि 63 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद जो हैं उन्होंने कितना काम करके यहाँ पे लोगों को दिया है। धन्यवाद। द्वारा यहाँ पे क्या काम हुआ है, क्या काम हुआ है? गाड़ी का काम हुआ है। अच्छा, लाइट का काम हुआ है, रोड का काम हुआ है, गली गली में ये रास्ता का काम। यहाँ के लोग बता रहे थे कि 25-30 साल से ये रास्ता जो है जर्जर था, पूरी तरह से पानी भरा हुआ था। सही बात, सब बना है, सब कुछ बना। अच्छा, यहाँ बीच में क्या ड्रेन भी बनाया गया है? अंडर ग्राउंड है, ड्रेन जो है अंडर ग्राउंड में दिया है, और ये टंकी जो मेरा बहुत सा काम हुआ है। 63 यहाँ का वार्ड पार्षद, वार्ड पार्षद रोहित समुदाय तबुशुमारा। यहाँ पे आप लोगों का वार्ड में आपका जो वार्ड पार्षद जो है वो अपने 5 साल का कार्यकाल में कितना काम किया, आप लोग बता सकते हैं? কাজ করেছে, অনেকটা কাজ করেছে, কিন্তু তার মধ্যেও যে সমস্ত মানে অসুবিধাগুলো আমরা ফেস করছি এই মুহূর্তে, রাস্তার প্রবলেম রয়েছে, জলের প্রবলেম রয়েছে। জলের প্রবলেমটা তো কিছুটা হয়তো 40% সলভ হয়েছে, 60% এখনও বাকি রয়েছে, তার থেকেও বেশি রাস্তার প্রবলেম। কারোর বাড়িতে, আমার বাড়িতেই যেমন হতে পারে, অন্যান্য বাড়িতে রয়েছে, যেমন ডেলিভারি পেশেন্ট রয়েছে, তাদেরকে স্টেশন অবধি হেঁটে যেতে হচ্ছে, গিয়ে পরে ওখান থেকে এগেন টোটো অথবা ওন কারে যেতে হচ্ছে। এই প্রবলেমটা একটু তাড়াতাড়ি যদি সলভ হয় অনেকটা বেটার, আমাদের পক্ষে অ্যাটলিস্ট অনেকটা বেটার। ये आप लोग का वार्ड नंबर कितना है? 63 है। 63। अच्छा, इसका वार्ड काउंसिलर कौन है आपका? तबस्सुम बानो। अच्छा, यहाँ जो ये रास्ता अभी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ रास्ता जो है टूटी फूटी है, तो ये कब से मतलब ये रास्ता टूटा हुआ है? 2-3 साल से, जब से पाइप का काम हो रहा है तब से तोड़ा गया। अच्छा, 2-3 साल पहले ये रास्ता बना था? पहले बना ही हुआ था। अच्छा, ये रास्ता, ये रोड कौन बनवाया था पहले, आपका काउंसिलर बनवाए थे? इतना जानकारी हमको नहीं है। अच्छा, अभी आप लोग का वार्ड में और भी बहुत सारे काम, जैसे नया घर बनने का, लाइटिंग, बाथरूम, ये सब काम कुछ हुआ आपको, कुछ जानकारी आपके बस्ती में? यहाँ तो शायद हमको नहीं लग रहा हुआ है। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। देख सकते हैं कि ये वार्ड नंबर 63 का रास्ता है, जो कुछ टूटा फूटा है, हमारे वीडियो के माध्यम से इसे देख सकते हैं। लोगों का कहना है कि इस रोड को जो है पानी कनेक्शन के लिए तोड़ा गया था, उसके बाद ये रोड जो है अभी तक बना नहीं है। लेकिन इससे पहले इस रोड को बनाया गया था 2 साल पहले कब्ल, लेकिन पानी कनेक्शन के वजह से इस रोड को फिर से तोड़ा गया है। ये आपका वार्ड नंबर कितना है? 63। यहाँ का आपका वार्ड पार्षद जो है वो कौन है? ड्यूटी में। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों का वार्ड पार्षद द्वारा कितना काम हुआ है? काम तो हुआ है, मास लाइट लगा है, नल वगैरह अभी जॉइन हो ही रहा है हर जगह। अच्छा, और रास्ता वगैरह? रास्ता वगैरह कुछ ठीक है, कुछ ऐसा होता है कि देखिए नाली हमारी ऐसी है, KLM बोले ड्यूटी मेयर को। अच्छा, तो वो बोल रहे हैं इस्टीमेट लेके आओ। अच्छा, इस्टीमेट हम मिस्त्री को पकड़ के ले जाएंगे। अच्छा, तो बहुत ऐसा मतलब गली का जो काम है वो अधूरा है? अधूरा है, जैसे बच्चा लोग गिर जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, पाँव घुस गया, अब रात में यहाँ तो लाइट नहीं ना मिलेगा, लाइट तो रोड में ना मिलेगा, गली में तो लाइट लगा नहीं है, तो इस वजह से परेशानी हो रही है। ये वार्ड नंबर आपका कितना है? 63 है। अच्छा, यहाँ का आप लोग का अभी जो वर्तमान पार्षद काउंसिलर जो है वो कौन है? ये आपका टिंकू है। वही तबस्सुम आ रहा है। तो उनके द्वारा यहाँ पे कितना काम किया गया, आपको इस बारे में जानकारी? बहुत काम हुआ। अच्छा, रोड बना, लाइट लगा,
हर जगह सुविधा हुआ, बहुत किस्म का पानी का सुविधा हम लोग को मिला, बहुत कुछ फायदा हुआ। आप अभी अपने प्रेजेंट पार्षद से यानी काउंसिलर से खुश हैं आप लोग? बहुत खुश, बहुत खुश। यहाँ पे कुछ ऐसी समस्याएं जो कि वार्ड काउंसिलर ने नहीं कर पाई है? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं। अच्छा, हम लोग के हिसाब से जितना हम लोग को उम्मीद नहीं था उससे ज़्यादा वो कर दिया है। थैंक यू। कौन है? अच्छा, यहाँ पे आप लोग का वार्ड में काम हुआ है? काम हुआ है, लाइट वाइट लगा है, सब। वार्ड पार्षद के द्वारा कितना काम यहाँ पे हुआ है? रास्ता वगैरह उधर का बनाया गया है पूरे वार्ड में? रोड देखिए रहे हैं, सब हाल है। पानी का भी वही हाल है, दिक्कत। पानी का समस्या है आप लोगों को? टैंकर में भेजते हैं। अच्छा, टैंकर में पानी आप लोगों का आ रहा है। पानी का समस्या कितने सालों से है आप लोगों को? अरे बहुत दिन से पानी का इधर बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, रूपाश्री कन्याश्री इन योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिलता है? जितना योजना है, रूपाश्री योजना है, इक्याश्री योजना है, इस योजना का कुछ लाभ, या फिर घर बनाने वाला जो योजना है, घर बनवाने का सरकारी घर, वो सब यहाँ पे बनाया गया? ना, हम लोग को तो नहीं। वार्ड नंबर 63। यहाँ पे आप लोग का वार्ड पार्षद अभी जो है वर्तमान वार्ड पार्षद वो कौन है? वो भी है डिप्टी मेयर बनी है हम लोग का। और यहाँ पे आपका वार्ड में कितना काम हुआ है आपको इस बारे में जानकारी है? बिल्कुल, जो काम हुआ है वो आपका नगर का सामने है, ये झूठला नहीं सकते। जो हम लोग कभी सोचे थे नहीं कि हम लोगों का एरिया में टंकी बनेगा, उन्होंने हम लोगों को गिफ्ट दी। और रोड जहाँ पहले नहीं था चलने का, बहुत दिक्कत आ रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आराम से हम लोग चलते हैं। तो काम जो हो रहा है वो आपके नज़र में है, लेकिन हम लोग देखते हैं, उसको दिखाना नहीं पड़ेगा। वार्ड पार्षद से किसी किस्म की आप लोगों को शिकायत है जो काम अभी अधूरा हो? नहीं, मेरे नज़र में तो नहीं है, अगर होता तो जरूर आपके सामने हम बोलते हैं, ठीक है ना। जो भी अगर कंप्लेन होता है तो हम लोग जाकर वहाँ बोलते हैं, तो उस बात को सुना जाता है और फिर रिप्लाई दिया जाता है। आपका नाम क्या हुआ? इमरान अफरोज। कितना पड़ता है आप लोगों का? ये वार्ड नंबर 63 है। अच्छा, यहाँ का आपका वार्ड पार्षद वार्ड काउंसिलर कौन है? डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा। अच्छा, आप लोगों का वार्ड में उनके द्वारा कितना काम हुआ है इसकी जानकारी आप हमें बता सकते हैं? देखिए, अनगिनत काम हुई, अगर मैं बताना चाहूँ भी तो नहीं बता पाऊँगा। अच्छा, ये जो रोड देख रहे हैं ये उन्होंने ही बनाया है, आपका टीबी हॉस्पिटल में पानी का टंकी भी बनाया है, जगह जगह रोड बनाया है, जहाँ जहाँ लाइट वगैरह दिया है, बहुत सारा काम किया है। अच्छा, आप लोगों को अभी ड्रेन के मामला में या रास्ते के मामले में कुछ परेशानियाँ कुछ फेस करनी पड़ रही है? नहीं, अभी तो कोई परेशानी नहीं हो रही। अच्छा, अभी आप लोगों को वार्ड में जो है घर बनाने का जो स्कीम है, गवर्नमेंट ने जो घर बनवाने का स्कीम निकाली, उसके तहत कितना घर बना आप लोगों को इस बारे में? इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, मेरे को पता नहीं। और रूपाश्री हो गया, कन्याश्री हो गया, इक्याश्री हो गया, ये सब तहत योजनाएं जो है बच्चियों के लिए निकाली गई है, इसके तहत यहाँ पे कितना काम होता है आप लोगों को जानकारी? क्योंकि इक्याश्री का जो है ना फॉर्म वगैरह भरा गया था आपका बूथ के लिए, उसके जरिए बच्चों को लाभ पहुंच रहा है, बहुत ज़्यादा लाभ। कन्याश्री, इक्याश्री, अभी जो आप अपने वर्तमान पार्षद हैं, जो अभी प्रेजेंट आपका काउंसिलर है, उससे आप खुश हैं उनके काम से? क्योंकि जितनी भी उनकी तारीफ की जाए काम बहुत अच्छा अपना ड्यूटी होने वाले और लोगों से मिलजुल कर रहे। आने वाला फ्यूचर में आप अपने बस्ती में और किस तरह का डेवलपमेंट देखना चाहते हैं? देखिए, हम लोग सोचे तो बहुत कुछ है, अब जो होना है वही लोग करेंगे। क्या सोच के क्या रखें, किस तरह का और सोच काम? के यही रखे हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे तालीम हासिल करें, बेरोजगारी हमारे यहाँ ख़त्म हो जाए, हर चीज़ की हम लोगों को सहूलत हो। आप लोगों को यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है, सरकारी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है, वो सब मिल पाती है? सरकारी मेडिकल फैसिलिटीज़ तो यहाँ पे, इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ता है बराबर, ये यही एक चीज़ की यहाँ कमी है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद मंजूर। आने वाला पार्षद आप कैसा देखना चाहते हैं? बस वही देखना चाहते हैं जो सब काम लोगों का दिल जीत ले, काम ऐसा करे जिससे हर गरीब हो। किस तरह का आप एग्जांपल दे सकते हैं कैसा? मिसाल के तौर पर ये है कि जैसे कि दवा वगैरह का इंतजाम हो, पानी हो। आने वाला काउंसिलर आप कैसा देखना चाहते हैं, काउंसिलर किस तरह का? आपका जो वर्तमान काउंसिलर है ये रहे, या कोई और जैसे आ रहा है अगर बनना चाहे वो बने, किस तरह का? जो अभी है वो ठीक है, इसके विषय में कोई हमको बता नंबर 63 में
रूपाश्री कन्याश्री ये योजना के तहत जितनी भी काम हो रही है वो आपके वार्ड में इसका लाभ मिल पा रहा है? बहुत खासकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदा है इसके। अच्छा, तो अपना पढ़ाई तो इस बारे में आप लोगों को जानकारी कौन दे रहा है? वार्ड पार्षद जो है आप लोगों का, वार्ड पार्षद का ऑफिस से आप लोगों को इस बारे में जानकारी मिल रही है या नहीं मिल रही है? अभी जो है आवास योजना के तहत आप जानते होंगे कि घर बनाने का एक योजना स्कीम है आवास योजना, इसके तहत आप लोगों का यहाँ पे काम हो रहा है? बहुत सारा घर बनाया। लैट्रिन बाथरूम जैसे इस तरह सबसे बड़ा मसला। अच्छा, और पानी कनेक्शन जो अभी बोला गया घर घर जल का जो समाधान किया गया है, तो उस बारे में आप क्या जानते हैं? चालू है ये कनेक्शन, अभी स्टार्ट है अपना घर कनेक्शन लग रहा है, तो देखा जाए क्या होता है। अपना वार्ड पार्षद के काम से आप खुश हैं? हाँ। कितना है ये? कितना है? 63 आप लोग का वार्ड का वार्ड पार्षद जो है काउंसिलर वो कौन है? डिप्टी मेयर। क्या नाम है उनका मालूम है आपको? आप लोग का वार्ड में अभी इस एरिया में आपके बस्ती मोहल्ले में आपके वार्ड पार्षद के द्वारा काम किया गया है? काम किया गया है उनके द्वारा? हाँ। क्या क्या काम हुआ है? यही हम लोग का जो जैसे घर का पास हुआ। अच्छा। तो उनके से बहुत हेल्प हुआ। और रास्ता वगैरह, नाली वगैरह? नाली वगैरह हम लोग का रास्ता उधर का तो बहुत दिन से मतलब बोल रहे हैं लेकिन वो अभी पास नहीं हुआ। कौन सा रास्ता आप लोग का? को यहाँ का वार्ड पार्षद द्वारा कितना काम देखने को मिला है? रास्ता, लाइट, इस तरह कुछ ऐसा तकलीफ आप लोगों को? ना ना, उस तरह का कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग घर का बहुत हेल्प की है सबसे हमारा कि हम लोग घर का तकलीफ बहुत। अच्छा, आप लोगों को रूपाश्री कन्याश्री के तहत आप लोगों के घर वालों किसी को कुछ फायदा यहाँ पे पहुँचा गया है? बच्ची लोग पाती है स्कूल कॉलेज पर, तो स्कॉलरशिप वगैरह का जानकारी, वो जानकारी आपको कहाँ से मिलता है? ये जानकारी मिलता है जैसे कि काउंसलर ऑफिस से। हाँ, काउंसलर ऑफिस से भी मिल जाता है। ये टोटल काम आप लोग का कौन करके दिया? जैसे फार्म वार्म जहाँ भराता है वाली कंप्यूटर, वहाँ से ही मिल जाता है खबर। अच्छा, हम लोग खबर कुछ भी बचा फार्म वार्म जैसे। आप लोग अपने पार्षद से अभी खुश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग जितना के वो नल वगैरह का भी तकलीफ था, पानी की तो बहुत है। वार्ड नंबर कितना है ये रास्ता जो अभी है? ये वार्ड नंबर आपका 63 नंबर। 63 नंबर वार्ड है। इसका काउंसलर पार्षद कौन है? ये आपको यहाँ का क्या नाम है रे? लेडीज है या जेंट्स है? लेडीज है। तबस्सुम आरा जी। हाँ। अच्छा, तो उनसे आप लोग शिकायत किए थे इस रास्ते के बारे में? इसके विषय में तो कोई यहाँ से दिया नहीं, बोला गया, मीटिंग किया गया लेकिन कोई दिया नहीं। अच्छा, तो ये रास्ता आप लोगों का कब से टूटा हुआ है? ये आपको 2 बरस हो चुका है। किस तरह की परेशानी हो रही है अभी आप लोग? परेशानी इसलिए करके हो रही है कि जैसे बारिश वगैरह हो रहा होता के बाद स्लिप करता है, अभी एक्सीडेंट भी करता है, कितना महिलाओं को गिर भी जाता है, बूढ़ा आदमी भी गिरा है। आज करीब 20-25 दिन के आगे यहाँ पर लेडीज और जेंट्स यहीं पर एक्सीडेंट किया मोटरसाइकिल से बारिश की वजह से। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि हम लोग का जैसे कि पानी भी ठीक हो जाना चाहिए और रोड भी ठीक होना चाहिए। धन्यवाद। आपका नाम? हमारा नाम हुआ। उनका कार्यकाल जो है वो पार्षद का पूरा हो गया है, अब जो आप लोग चाहते हैं आने वाला जो पार्षद हो वो फिर से यही पार्षद रहे या कोई और पार्षद, मतलब किस तरह का पार्षद आप लोग देखना चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि जो काम जितना काम किया है ये हमारा डिप्टी मेयर चाहिए कि 5 साल और रहे और थोड़ा तालीम के ऊपर ध्यान दें। तालीम के ऊपर कमजोरी है, तालीम में बहुत कमजोरी है, चाहे जिस लिहाज की तालीम। वार्ड नंबर 63 के टीबी हॉस्पिटल ग्राउंड के पास में यहाँ के लोगों से भी हम लोग जानकारी लेंगे कि यहाँ का वार्ड पार्षद जो है वो यहाँ की जनता को कितना काम करके दिया है। आइए देखते हैं जनता इस बारे में क्या कहेंगे। वार्ड नंबर कितना है? 63। यहाँ का वार्ड पार्षद कौन है? डिप्टी मेयर हैं तबस्सुम आरा। अच्छा, आपके वार्ड में कितना काम हुआ है इस बारे में मुझे कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? इस वार्ड में तो लगभग बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या क्या काम, क्या क्या हुआ है काम में है? जैसे रोड है, ये आपका पानी का टंकी है, ये तो बहुत बड़ा काम हुआ है हम लोगों का। कुल्टी एरिया में सबसे बड़ा काम हुआ है।
इसके अलावा लाइट का काम हुआ है लाइट का काम भी हुआ है आपका लाइब्रेरी हॉल बना है, कम्युनिटी हॉल वगैरह भी बना है, ऐसा खेल सेंटर का तैयारी चल रहा है। हाँ, हेल्थ सेंटर का भी बाउंड्री वॉल हो गया है, वो भी लगभग काम शुरू होने वाला है। और भी पार्षद से अभी 5 साल पार्षद का जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया है, उसके बाद फिर से काउंसिलर इलेक्शन होगा, उसके बाद से फिर जो काउंसिलर अपना पद संभालेंगे, तो आप आने वाले काउंसिलर किस तरह का देखना चाहते हैं? बस इससे बेहतर ये काम जो हुआ है इससे बेहतर करने के लिए हम लोग तो उन्हीं को कहेंगे कि आप अगर आ जाते हैं जीत करके तो उनको कहेंगे कि इससे भी बेहतर काम हो। अभी आप लोग को क्या लगता है कि आपके वार्ड में आपके एरिया में क्या क्या काम जो है अभी अधूरा आपको ऐसा लगता है कुछ? अधूरा में देखिए काम का मामला है, काम हमेशा बढ़ते रहता है और जरूरत आदमियों को पड़ते ही रहता है। जैसा जरूरत आपका अभी जरूरत क्या है यहाँ पे आपको कुछ ऐसा जरूरत महसूस हो रही है? ये जो काम अभी रोड वाला जो काम बाकी रह गया जैसे स्टेशन से लेकर के लाल बाजार ये सब जितना भी एरिया पड़ रहा है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसमें आने जाने में और पेशेंट वगैरह भी जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो हम मैंने अनुरोध करेंगे कि इसका काम पहले देखा जाए जो स्टेशन से लेकर के और भी। तो अभी आप लोगों ने सुना वार्ड 63 के लोगों की बातें, अब चलते हैं नेता प्रतिपक्ष भाजपा के कुलटी विधानसभा के को कोने में ललन मेहरा जी के पास और जानते हैं उनके नज़र में वार्ड पार्षद ने कितने काम किए हैं, कितने नहीं किए हैं और कितने करने बाकी हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है हम लोग अपने चैनल CFM के माध्यम से आप लोगों को हर वार्ड की जानकारी दे रहे हैं कि 5 साल के कार्यकाल में पार्षद ने क्या कार्य किया है और लोग उनसे कितना सहमत हैं। इस बारे में आज हम चर्चा करने आए हैं कुलटी के को कन्वेनर BJP से, वो क्या कहते हैं आइए हम देखते हैं और बात करते हैं ललन जी से। जैसा कि अभी हम लोग सर्वे कर रहे हैं वार्ड नंबर 63 के जिसके वार्ड पार्षद व डिप्टी मेयर तबस्सुम आ रहे हैं, तो उनके कार्य से आप कितना खुश हैं या कितना सहमत हैं ये आप हमें जानकारी देंगे। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार कुलटी विधानसभा को कन्वेनर ललन मेहरा की तरफ से आपको और CFM चैनल को मेरे तरफ से धन्यवाद जो आप इस तरह का मुहिम छेड़े हुए हैं। हम पूरे 106 वार्ड है उसमें मान लीजिए 63 नंबर वार्ड जो यहाँ के डिप्टी मेयर है उनका वार्ड में आज का डेट में रोड की जो अवस्था है विगत 5 साल में इतनी ही ख़राब है कि मैं आपको आप खुद वहाँ जाके देख सकते हैं या तो डेली आदमी स्टेशन से जो रोड जाता है DB हॉस्पिटल लाल बाजार की तरफ जो रोड जाते हैं रोड का अवस्था बहुत ही ख़राब है। इसका एक ही कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आने के बावजूद भी जो पाइपलाइन का काम है बहुत ही धीमी गति से चलाया जा रहा जिस कारण से लोगों को असुविधा हो रहा। आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो वो भी वहाँ पर नगण्य है लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहाँ पे काम दिखाया गया है, वहाँ पे कई ऐसे घर हैं जो आवास योजना के तहत बनाए गए। मतलब उस मतलब जिस तरह से बोला जाए कि एक एक तो वार्ड में कम से कम 250 से 300 घर बनाने के बात है जिस तरह हमारे मोदी जी बोले थे और हमारे जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर है उनको भी बोला गया था कि करीब करीब 300 घर बनना चाहिए लेकिन आप जाके देखिएगा तो हमको नहीं लगता है कि 300 घर कहीं पर बना किसी भी वार्ड में। 106 जो वार्ड है हमारा कॉरपोरेशन के अंतर्गत वो किसी भी वार्ड में 100-300 घर नहीं बनाया गया है जबकि पैसा वहाँ से मिल रहा है। किसी का घर अगर बना भी है तो आधा अधूरा बन के रुका हुआ है उसमें उनको 35,000 रुपया भी देना पड़ता है घर बनाने के लिए उसके बाद उनको घर बना। जब गरीब आदमी के पास 35,000 रुपया रहेगा तो फिर वो अपने तरीका से घर बनाएगा नहीं, गरीब आदमी पैसा नहीं दे पाता जिस कारण से उसको घर नहीं बन रहा। एक कट मनी का व्यापार है इसमें। आपको मैं बता दूँ कि जो पानी में जो दिया जा रहा 3,080 रुपया ये किस बात का लिया जा रहा, उनको तो यहाँ पर फ्री में कनेक्शन देना चाहिए। जो आदमी गरीब है उनको लिया जो कपड़ा का मकान है उसको 80 रुपया और जो छत के मकान है उसको 3,080 रुपया। हम बता दें आपको कि पहले यहाँ पर कुलटी कारखाना था हमारा, यहाँ पर बहुत सारे लाल बाजार कॉलोनी थे, बलतोड़िया कॉलोनी था, दामागुड़िया, जिसमें बहुत सारे लोग सर्विस करते थे। तो मान लीजिए कि जिसका 4 लड़का है उसका पिताजी सर्विस करते थे, वो छत्ता का मकान बना के चले गए लेकिन उनके पास आज का डेट में जिसका घर में 4 लड़का था उसका पिताजी सर्विस करता था आज उसको नौकरी नहीं है, डेली रोजगार करते हैं।
तो वो बेचारा अगर चार घर में चार कनेक्शन लेगा समझिए 12,000 रुपया 13,000 रुपया उसको देना पड़ रहा है, वो कहाँ से पैसा लेगा। इस तरह का पैसा लिया जा रहा ये एकदम सरासर मतलब मैं इसके खिलाफ हूँ और हम लोग इसके लिए बहुत सारा मतलब जगह जगह पर स्ट्रीट कॉर्नर। अगर आपका वार्ड पार्षद आने वाला पिछले साल 2021 में अगर आपका वार्ड पार्षद होता आपके पार्टी से तो किस तरह का कार्य वार्ड नंबर 63 में किया जाएगा? हम लोग का अगर वार्ड पार्षद वहाँ से जीतता है हमारा 2021 का जो चुनाव होगा विधानसभा चुनाव होने वाला है उसके बाद हमको तो नहीं लगता है कि वार्ड पार्षद के चुनाव होने वाला है। विधानसभा चुनाव हो गया अगर हमारे सरकार बनता है बंगाल में भाजपा के तो 3,080 रुपये हम लोग सबको वापस करेंगे प्रत्येक आदमी को। गरीब के पैसा जो TMC सरकार लेके रखी है हम लोग सारा वापस करेंगे। हमारा पार्षद भी रहेगा तो पैसा वापस करेंगे। प्रत्येक आदमी के मुफ्त में कनेक्शन देंगे हम लोग। बहुत सारा आपको मैं बता दें 3 धोड़ा हुआ आपको जो सियाल नगर बहुत सारे गरीब इलाका है जो सिविल कास्ट एरिया है आप वहाँ पर जाके देखिए हमको तो नहीं लगता कि वहाँ पर किसी के घर वहाँ पर बना है। कपड़ा के घर अभी भी वहाँ पर मैं तो सब जगह जाता हूँ वहाँ पर देखता हूँ। 63 नंबर वार्ड हमारे डिप्टी मेयर बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि रेल AR में इतना बड़ा पोस्ट उनको दिया गया था लेकिन जिस तरह से पोस्ट उनको जितना बड़ा मिला है उस तरह से काम इस रेल पार इलाका में इस तरफ पे नहीं हो गया हुआ है। आपका मान लीजिए कि हमारा रेलवे स्टेशन का ओवरब्रिज के काम के लिए बहुत सारा मैंने लेटर दिया लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। काम नहीं होने के कारण ओवर ब्रिज नहीं बनने के कारण गंगुआ बाजार का जो मार्केट है पूरी तरह से ख़त्म है। हमारे इधर रेल इस पार कोई अच्छा डॉक्टर नहीं आते हैं क्योंकि हमारा ओवर ब्रिज नहीं है। सब बोलते हैं कि अगर उधर जाएंगे तो आधा घंटा तो हमको आने जाने में ही ख़त्म हो जाता। कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं बैठता हम लोग के इसलिए यहाँ का लोगों को मेडिकल फैसिलिटी बढ़िया नहीं मिल पाता है। अगर अच्छा डॉक्टर लेना है तो आप वहाँ से उठ जाइए या फिर बराकर जाइए जहाँ से गरीब लोग हमारे इलाका में रेल पार में जब से कुल्टी कारखाना बंद हुआ तब से बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस नहीं करते हैं डेली मजूरी करने वाले हैं उनको वो सुविधा नहीं मिल पाता है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम ललन मेहरा और मैं अभी पूर्व का मैं कुल्टी मंडल 2 का प्रेसिडेंट थे और अभी मैं वर्तमान में कुल्टी विधानसभा के को कन्वेनर के दायित्व में हैं। धन्यवाद सर। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जितने सर्वे किए वार्ड संख्या 63 के अब उनसे जो सवाल उभर के आए हैं तो आगे चलते हैं बात करते हैं जिन पे ये सवाल उठ रहा है या जिनके लिए ये सराहना हुई है वार्ड संख्या 63 की पार्षद सर डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा के पास। जैसा कि 5 साल के आपके पार्षद कार्यकाल में आपने कितना कार्य किया है इस बारे में जब हमने सर्वे किया तो लोगों ने कहा कि रास्ता से लेकर के नाली लाइट सब चीज़ों का काम हुआ है लेकिन एक रास्ता है जो आपका स्टेशन से होते हुए TB हॉस्पिटल को जाती है तो उस रास्ते के लिए लोगों ने शिकायत किया कि पानी का जो कनेक्शन हो रहा था उस दौरान इस रास्ते को कोड़ा गया था 2017 या 18 में उसके बाद से इस रास्ते को नहीं बनाया गया तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप बहुत सबसे दर्शकों को मेरा नमस्कार सलाम। 5 साल में हमने बहुत से ऐसे काम किए हैं रोड ड्रेन लाइट एडुकेशन स्पोर्ट्स सभी तरह का हमने काम करने की पूरी कोशिश किए हैं। कोल्टी स्टेशन सियालडांगा से रोड की हालत जो ख़राब है सिर्फ कोल्टी स्टेशन सियालडांगा नहीं चीना कोई और भी बहुत सी जगह में रोड की हालत ऐसे ख़राब है उसकी वजह हमारे पेप लाइफ है क्योंकि ये मेन रोड है। मेन रोड में 4 तरह के पैप बिछे हुए हैं। 4 तरह के पैप में इस लॉकडाउन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ था लेबर नहीं आ पा रही थी इस वजह से प्रॉब्लम था लेकिन उसका भी टेंडर हो चुका है। अगले 1 से 4 अक्टूबर के अंदर मेरा वो काम स्टार्ट हो जाएगा। कहने वाले BJP वाले सिर्फ कहते रहेंगे काम करके देखा है बस बात मत करें काम करें यही कहना है। आप अपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ ऐसा काम के बारे में हमें बताएं जो कि बहुत बड़ा काम हो और जो ऐसा काम जो है वार्ड नंबर 63 में आज से पहले नहीं किया गया। देखिए वार्ड नंबर 63 में हमारे आने से पहले यहाँ पर कोई काम ही नहीं हुआ था। हमारे आने के बाद हमने यहाँ पर बहुत तरह का काम किया। सबसे बड़ा काम है पानी का जो हमारे मुख्यमंत्री वज्री आला ममता बनर्जी ने 2016 में विधानसभा इलेक्शन में हमारे विधायक के इलेक्शन में वो आई थी उसी स्टेज पे हम भी थे
कुर्सी पर खड़ा होकर उन्होंने वहीं से ऐलान किया कि आप हमें वोट दो, हम हमें पानी देंगे। और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। आज पूरे क्वालिटी में देखिएगा, हर जगह में टंकी बना हुआ है, जो वार्ड नंबर 63 में टीबी हॉस्पिटल में भी आपको टंकी नज़र आता होगा। ये सबसे बड़ा काम है हमारा, इसके लिए हम अपनी वज़ीर आला ममता बनर्जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। दूसरा, लाइट का, रेल की इस बार आप लोग आते होंगे, हमेशा अंधेरा रहता है, लेकिन अब आप आएंगे आपको हर तरफ उजाला नज़र आएगा, हर तरफ रोशनी नज़र आएगा। तो ये है मैंने काम किया। यहाँ पर हमने कम्युनिटी सेंटर का भी काम किया, लाइब्रेरी का काम किया, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर एक लाइब्रेरी भी हम चलाते हैं, जिसमें हमारे काफ़ी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके 4 हमारे स्टूडेंट रेलवे में जॉब कर रहे हैं, और भी जितने स्टूडेंट हैं WBSC में बैठे हैं, इंशाल्लाह उन्हें भी बहुत कामयाबी मिलेगी। अच्छा, BJP प्रवक्ता जो आपके कुलटी के हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि 3,000 रुपये जो पानी का कनेक्शन लिया जा रहा है वो फ्री होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने पानी का पैसा पास किया है। ये कहाँ तक बात जो है सच है? देखिए, BJP और केंद्र सरकार, इसे कहा जाता है सिर्फ झूठ का एक प्लिंडा बोला जाता है ना, वो झूठ का एक प्लिंडा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत से ऐसे वादे किए 6 सालों में। सबसे पहले वादा उन्होंने किया था कि युवाओं को 2 करोड़ हम युवाओं को नौकरी देंगे, पहला झूठा वादा। दूसरा झूठा वादा, पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग हैं गरीब, उनके खाते में 15 लाख रुपये जाएंगे, दूसरा झूठा वादा। उन्होंने हमेशा झूठा वादा किया। सबसे पहला तो हमें 2016 में उन्होंने हमारे नोटबंदी का जो धक्का दिया, हमारे जितने हिंदुस्तान में लोग हैं, नोटबंदी का धक्का दिया, फिर GST का ये दिया। तो हमारे नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ और उनके दलाल सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं, झूठा वादा करते, एक भी पूरा करके दिखाए ना हम कहना चाहते। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पानी में दिया, हम उनसे किसी भी तरह का पैसा नहीं मांगते, हम उनसे सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे बंगाल का जो GST है 70,000 करोड़, आप सिर्फ हमें वो चीज़ें लौटा दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो GST है वो लौटा दीजिए, हम लोग किसी से भीख नहीं मांगते, बंगाल का जो GST है वही चाहिए, 57,000 करोड़ वो हमें चाहिए। और आप तो हमारे नरेंद्र मोदी जी तो बंगाल आए थे आम्फान के टाइम में, हमारी मुख्यमंत्री वज़ीर आला ममता बनर्जी से वादा किया हमारे मुख्यमंत्री ने, आम्फान में इतनी प्रॉब्लम हुई थी, उनसे 1,000 करोड़ रुपये सिर्फ वादा की, क्या वो वादा पूरा किए? क्या बंगाल के लोग वोट नहीं देते? बंगाल के लोगों को सिर्फ वोट चाहिए आपको, और बंगाल के लोगों के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो हमारी केंद्र सरकार से एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप झूठ मत बोलिए और वादा जो करते उसको पूरा कीजिए, क्योंकि बंगाल में हमारी नेत्री मुख्यमंत्री वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जो बोलती है वो काम करती है, जो वादा करती है उसे पूरा करती है। आज आप देख रहे हैं कोरोना की महामारी में जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पे काम किया है, आप बताइए पूरे हिंदुस्तान में कौन सा नेता ने किया है? हमारे नरेंद्र मोदी ने क्या किया? किया है ना, 4 महीनों में 21 बार डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाया है, गरीबों के पेट में लात मारे हैं, और आप एक नया काम किया है किसानों के पेट पे लात मारे, बिल पास कर दिया। तो क्या किया नरेंद्र मोदी ने? सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को भुखमरी मारे, पेट पे लात मारे, गरीबों को जिन्हें जिंदगी छीन ली है। केंद्र सरकार से मेरी एक ही अनुरोध है, वादा कीजिए तो पूरा कीजिए, नहीं तो अपना सीट छोड़ दीजिए। कुलटी के BJP प्रवक्ता ने कहा कि आवास योजना के तहत जो है वो तकरीबन हर वार्ड में 300 घर बनना चाहिए, जबकि प्रत्येक वार्ड में, किसी किसी वार्ड में 20 घर बने हैं, किसी वार्ड में 30 घर बने हैं, तो इस बारे में आप हमको बताएं। आवास योजना के तहत हम लोगों ने काफ़ी काम किया, हर वार्ड में आप जाएंगे आपको घर बनना मिलता। पोल्ट्री के जो प्रवक्ता है सिर्फ बात कहते हैं, हम उनसे कुछ बोलना नहीं चाहते, हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि आपके MP बाबू सुप्रियो ने क्या किया 6 सालों में, वो क्या कहाँ है, कौन जगह में नज़र नहीं आ रहे? अभी बोर्डरा में एक बोर्ड नज़र आता होगा आपको, शमशान घाट के पास, 3 साल से वो बोर्ड सिर्फ लगाकर छोड़ दिए, लोगों को धोखा दिए छोड़ दिए। तो आप अपने MP से बाबू सुप्रियो से पूछिए उन्होंने 6 सालों में क्या किया है, हमें बताए, आप कुछ नहीं जानते। हमारे मुख्यमंत्री ने क्या किया है पूरे बंगाल के आवाम आपको बता के, बल्कि आप खुद जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री ने काफ़ी काम किया है। आने वाले 2021 का चुनाव अगर आप जीतते हैं तो उसके बाद अपने वार्ड में और किस तरह का कितना काम करेंगे? आने वाले 2021 के चुनाव अगर हम इंशाल्लाह में पब्लिक जीत कर लाएगी
तो हमारी ख्वाहिश है कि हम बहुत यहाँ पर बड़े बड़े काम लाने की कोशिश करेंगे। खासकर यहाँ पर हम कॉलेज लाए, आईटीआई कॉलेज लाए, यहाँ पर हम इंटर भवन बनवाएं, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी के लोगों की बहुत ज़रूरत है। हम को मेरी यही ख्वाहिश है कि यहाँ पर हम बड़े बड़े काम की ख्वाहिश को पूरी करें। सबसे बड़ा काम है मेरा फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड से मेरा काम मुकम्मल पूरा हो चुका है। पुल तोड़ा में मेरा 18 बीघा ज़मीन है, सब कुछ हो गया। हमारे म्यूनसिपल अफेयर मंत्री वो भी फरार हाकिम से भी बात, उन्होंने साइन कर कर सेक्रेटरी का पास भी भेज दिए हैं, जमीन का इंक्वायरी भी हो गया। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको क्वालिटी में फायर ब्रिगेड मिलेगा। ये भी हमारी वज़ीरे आला मुख्यमंत्री की बदौलत और वो भी फरार हाकिम की बदौलत। थैंक यू। और मेरा एक कोशिश है क्वालिटी रेलवे स्टेशन ओवर ब्रिज का, मैं कोशिश करती हूँ अपनी मुख्यमंत्री वज़ीरे आला ममता बनर्जी की कि हमारे यहाँ पर ओवर ब्रिज का बहुत ज़रूरत है यहाँ के लोगों के लिए। ये जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि इसे भी करवाने की। धन्यवाद मैम।